subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसे जीपी कहते रहेंगे. वैसे आपकी बुक में अभी तक तो 2020 तक एमएल अग्रवाल में एपी और जीपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ही चैप्टर में दिया है. तो हम लोग अभी एक तरीके से सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर शुरू कर रहे हैं. जीपी एपी के मुकाबले थोड़ा सा छोटा टॉपिक है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी लगभग सेम है. बहुत लोग कहते हैं कि जीपी आसान है लेकिन ऐसा बिल्कुल बहुत आसान नहीं है. बट जैसा एपी है वैसा जीपी है इतना मैं कह सकता हूं. ठीक है, तो एपी तो आपको अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा और देखते हैं क्या है अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जो बुकिश डेफिनेशन है वो क्या कहती है. ठीक है, तो ये आई अपनी डेफिनेशन. A list of numbers in which the ratio of any two consecutive terms is constant. अब ये मान लीजिए जीपी है, तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम इन दोनों का रेशियो लें, कैसे लेंगे हम इन दोनों का रेशियो, ए टू डिवाइडेड बाई ए वन, यानी कि बाद वाला टर्म डिवाइडेड बाई पहला वाला टर्म, तो ये रेशियो एक कॉन्स्टेंट रेशियो आएगा आर. अगर मान लीजिए हम इन दोनों का लें तो फिर आएगा, ये थोड़ा सा चलिए R इज इक्वल टू ही कर देते हैं यहां पे, और तो ये भी आ जाएगा R के ही बराबर. A3 अपॉन A2 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी R के ही बराबर आ जाएगा. और इसी को काम को अगर हम लोग करते चले जाएं तो An डिवाइडेड बाई An माइनस वन ये भी R के ही इक्वल आ जाएगा. यही कांस्टेंट वैल्यू है उसी रेशियो की जिसे हम लोग आर कह रहे हैं. दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो. और इस पूरे टॉपिक में हम लोग इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे. अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इस बात को समझने के लिए. ये तो डेफिनेशन हो गई, ये उसका जनरल टर्म्स के हिसाब से समझना हो गया. और एक एग्जांपल ये हो जाएगा, मान लो चलो 3, 6, 12, 24, 48 ऐसे चलता जाएगा और आगे के टर्म्स मैं नहीं लिख रहा हूं. तो अब यहां पर आप आराम से देख सकते हैं कि अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को देखें तो 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 2. इन दोनों टर्म्स को देखें तो 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, फिर से 2. इन दोनों टर्म्स को देखें तो 24 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, फिर से 2. तो यही कॉमन रेशियो है ना, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24. तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसे हम लोग जीपी कहते हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं. अभी तक अपनी जीपी इस तरह चल रही थी, तो इन्हीं टर्म्स को हम लोग ऐसे लिख रहे थे तो उनको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है. इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ड में क्या कहते हैं, टर्म्स, या फिर कहेंगे टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अब इसमें से पहला वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म. ये सब हो चुका है एपी में भी लेकिन दोबारा लिख रहा हूं, कोई बच्चा अगर केवल जीपी देख रहा हो तो भी समझ जाए. ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म है ना, देख लीजिए यहां पर. और उसी तरह ये हो जाएगा एन माइनस वनथ टर्म, ये हो जाएगा एनथ टर्म. ठीक है, अब इसमें कुछ नाम है ना, जैसे कि ये A1, A2, A3 से लेके AN है, तो इन्हें मैं लिख देता हूं फिर से यहां पर A1, A2, A3. कुछ लोग इन्हें कंबाइन करके एक ही वर्ड में लिख देते हैं AI, एक ही नोटेशन में लिख देते हैं AI. I belongs to 1 to N. ठीक है,
तो ये ना सोचिए आप ज्यादा, ये थोड़ा सा 11th क्लास जैसा लग रहा है, लेकिन इसे आप देख सकते हैं। ये सब हमारे जितने भी A1 A2 हैं, ये सब कैसे होंगे? ये सब होंगे रियल नंबर्स, ये सब होंगे रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं ये आप जानते ही हैं पहले से। बताइए जरा थोड़ा सा, अब तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 5, 1.5, -2, 3/2, √7, π, ये सब रियल नंबर है। आप कोई भी नंबर कितना भी रैंडम सोच लीजिए, और वैसा मान लीजिए ऐसा 2.7 bar, ये सब भी रियल नंबर होते हैं। असली में रियल नंबर की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट इमेजिनरी। ठीक है, तो खैर आपने इमेजिनरी नंबर अभी तक पढ़े नहीं है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जीपी के टर्म सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जीपी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। रियल नंबर्स तो होगा, लेकिन कोई भी जीपी का टर्म जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता? क्योंकि यार हम लोग अपने कॉमन रेशियो की जो डेफिनेशन लिखते हैं, आर इज इक्वल टू A2 / A1, तो अगर कहीं पे भी कोई टर्म जीरो आ जाएगा तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमें डिवाइड बाय जीरो करना पड़ेगा, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो डिवाइड बाय जीरो ना करना पड़े इसलिए हम लोग मानते हैं कि नो टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है जो मिस नहीं करनी चाहिए बच्चों को। खैर, और ये तो लिख लिए कि सारे टर्म्स हमारे रियल होते हैं। अब दूसरी बात मान लीजिए, आर क्या हो जाएगा? आर भी आपका रियल नंबर ही होगा, कॉमन रेशियो जो होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज आ जाती है भाई, एन तक जा रहे हैं हम लोग, एन जो होगा वो हम लोग का कैसा होगा? नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में केवल काउंटिंग ही चलेगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके एन तक हम लोग जा सकते हैं, वो जीरो भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ये सब हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले। तो AI अपना रियल नंबर्स है, R भी रियल नंबर है, N भी नेचुरल नंबर है। आराम से हम लोग लिख सकते हैं AI नॉट इक्वल टू जीरो, R भी बच्चों नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना, कॉमन रेशियो भी जीरो नहीं हो सकता है। जबकि हम लोग ने AP में देखा था कि कॉमन डिफरेंस अपना जीरो हो सकता है। ठीक है, N नेचुरल नंबर हो गया, तो यहाँ पे N नॉट इक्वल टू जीरो भी होगा, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बोल रहे हैं कि N नेचुरल नंबर है तो अपने आप जीरो वैल्यू एक्सक्लूड हो गई, बट यहां पर ये लिखना जरूरी है। ये सब ओलंपियाड वगैरह में काफी काम आता है कि क्या जीरो हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो इसलिए नोट करते रहिए। IIT JEE में भी कभी किसी प्रॉब्लम में छिपा हुआ यूज आ सकता है। कुछ बुक्स में A1 A2 A3 की जगह AN की जगह T1 T2 T3 TN लिखा रहता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और ये सिर्फ नोटेशन है। कुछ लोग T1 T2 बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग A1 A2 बोलना पसंद करते हैं, तो सब एक ही है। यहाँ पे जैसे T2 हो जाएगा सेकंड टर्म, TN हो जाएगा nth टर्म, सिर्फ नाम अलग है, बात वही है। A1 हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, और A जब फॉर्मूले वगैरह यूज करेंगे तो A1 को A से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी तरह AN में कुछ चेंज नहीं है, ये nth टर्म AN रहेगा, और कभी कभी हम लोग इसे RL करके बोल देंगे तो वो लास्ट टर्म भी हो जाएगा। वैसे आपने AP में देखा होगा कि AN यानी nth टर्म, L यानी लास्ट टर्म, दोनों का एंड में फॉर्मूला तो सेम ही आता है,
और n देखिए असली बात एक तरीके से जनरल टर्म भी है, क्योंकि n की वैल्यू आप 1 डाल दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की वैल्यू आप 3 डाल दो थर्ड टर्म आ जाएगा, 7 डाल दो सेवेंथ टर्म आ जाएगा, i डाल दो ith टर्म आ जाएगा, r डाल दो rth टर्म आ जाएगा। तो एक तरीके से n अकेले सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता है। जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी जीपी की, तो ये जीपी है आपकी, तो ये बात हमेशा ट्रू होगी, ये हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके थे। यानी कि इनका कॉमन रेशियो आर है, इनका भी कॉमन रेशियो आर है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फर्स्ट टर्म को A1 की जगह A लिख देते हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ा भी हमने कि फर्स्ट टर्म को हम लोग A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब देखो सिर्फ इसको देखो आप, R इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 है, तो यार A2 इज इक्वल टू A1R हो गया, इसको उधर भगा दिया और आराम से आप बोल सकते हैं A2 इज इक्वल टू AR। ठीक है, A2 इज इक्वल टू AR बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, यानी कि दूसरा वाला टर्म इसके टर्म में और कॉमन रेशियो को देखते हुए आ गया AR। चलो थोड़ा सा और काम करते हैं। अब R इज इक्वल टू ये भी तो है A3 अपॉन A2, आराम से हम लोग बोल सकते हैं A3 इज इक्वल टू A2R। ठीक है भाई, इसको उधर भगा दिया और A2 को हम लोग अभी तक एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि AR होता है, तो A3 इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाइड बाय R। इसका मतलब A3 आ गया क्या, AR स्क्वायर। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा यार, यहां पे देखो R की पावर क्या है, एक तरीके से 1 है। यहां पे भी थोड़ा सा छुपा हुआ है, यहां पे R की पावर क्या है, 0 है, है ना। तो अगर हम लोग यही क्रम फॉलो करते रहे, यही ऑर्डर फॉलो करते रहे, तो AN भी हमारा कुछ AR और इसकी कुछ पावर आएगा। थोड़ा सोच लेते हैं, देखो यार 1 लिखा है तो पावर 0 है, 2 लिखा है तो पावर 1 है, 3 लिखा है तो पावर 2 है, यानी हमेशा हम लोग ये कम चल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, n लिखा है तो पावर n-1 हो जाएगी। उसी तरह यहां पे भी एक कम कर लेते हैं, चलो इस वाले को भी लिख लें हम लोग, ये हो जाएगा AR raised to the power n-2। तो अब हम लोग जब भी अपने एपी के टर्म्स अज्यूम करेंगे, अगर 3 टर्म हैं, तो AR square अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और 3 टर्म्स में और भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा, लेकिन ये भी एक तरीका है अपनी, बार बार अगर मैं एपी बोल रहा हूं तो गलत बोल रहा हूं, अगर हम लोग कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं तो अब हम लोग जीपी के अपने टर्म्स AAR और AR square भी अज्यूम कर सकते हैं। आगे और भी ट्रिक्स आएंगी जहां पे अपॉन में आएगा, बट चलिए अभी इतना ही लिखिए। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो R के टर्म्स में ही हम पूरी एपी के, पूरी जीपी के हर एक टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसी तरह ये जनरल टर्म का फॉर्मूला यहां से निकल कर आ जाएगा कि AN इसके इक्वल है ना, AN इज इक्वल टू AR रेस्ट टू द पावर n-1। तो ये फॉर्मूला हो गया जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, इतना तो हम लोग सीख चुके हैं, और अब यहां से 3 बातें निकल कर आएंगी, 1, 2, 3। ठीक है, कैसे देखते हैं, पहले इसी को उठा के सीधा लिख देते हैं, A2 divided by A1 is equal to A3 divided by A2। और एक दो टर्म्स को शामिल कर सकते हो, लेकिन इतना भी अगर ट्रू है तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि अब ये जीपी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई कंडीशन फॉर जीपी। कभी भी आपको टेस्ट करने को आए
कंडीशन ऑफ जीपी बोल दे रहा हूं कि आप से पूछा जाएगा प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इन जीपी या टेस्ट वेदर दीज नंबर्स आर इन जीपी, तो आप इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे। इसी को दोबारा अगर आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए टू मल्टीप्लाइड बाई ए टू इज इक्वल टू ए वन मल्टीप्लाइड बाई ए थ्री। इसे ए टू स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा ए वन ए थ्री। और इधर थोड़ा सा काम करें, अंडर रूट ले लें दोनों तरफ और पॉजिटिव वैल्यू को रिपोर्ट करें तो ए टू इज इक्वल टू अंडर रूट ए वन इंटू ए थ्री। तो ये क्या हो गया, ये आगे हम लोग और देखेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ए टू को बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए आर पहले हम लोग ने इधर वाले लिए, अब हम लोग इस किनारे पे फोकस करते हैं कि हम लोग आराम से बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन। अब यार ये भी तो कर सकते हैं, एन की जगह एन प्लस वन डाल दें, ये भी ट्रू हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और टर्म होता है, यहां पर हम लोग एक और टर्म लिख देते हैं तो भी कोई हमारी जीपी बिगड़ थोड़ी जाती, ए एन प्लस वन आ गया मान लीजिए यहां पे, थोड़ा सा दिक्कत आई, एन प्लस वन ठीक है, तो ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन, तब भी तो कॉमन रेशियो आर आता है ना, तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया। अब वही बात होती है कि कुछ बुक्स ए लिखना पसंद नहीं करती हैं, कुछ बुक्स क्या करेंगी कि यहां पे टी डाल देंगी, टी एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टी एन, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ये सबस्क्रिप्ट में ही है, ठीक है। तो चाहे ये बोले चाहे ये बोले दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, और ये एक तरीके से जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉमन रेशियो हो गया। तो हम लोग तो यही यूज करेंगे, तो इसे बोलेंगे हम लोग कॉमन रेशियो या जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉमन रेशियो। जनरल क्यों है, आप देख सकते हो, जैसे यार n की जगह आप 1 डाल दो तो 1 प्लस 1 2 और यहां पे 1 है ना, तो a2 डिवाइडेड बाय a1, n की जगह 1 डाला तो आया r इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय a1, अब n इज इक्वल टू 2 डाल दो तो r आ जाएगा a3 डिवाइडेड बाय a2। और उसी तरह से हम लोग इसी एक सिंगल फॉर्मूले से इस पूरे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बहुत बार देख लिया इस चीज को, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, चुरा लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। इस ए एन को हम लोग क्या कह देते हैं, जनरल टर्म, ठीक है ना। और उसी तरह ए एन की जगह दूसरी बुक आ गई, उसने कहा टी एन ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन, कोई नई बात नहीं है, आर एच एस तो एक ही है। इस जनरल टर्म को नया नाम दे दिया, कह दिया एनथ टर्म, ठीक है। और फिर आ जाते हैं एक और नाम, मान लो कि एन टर्म ही है पूरी जीपी में, तो लास्ट टर्म भी कुछ लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो सब एक ही चीजें हैं, कोई नई बात नहीं है। आगे और एक फॉर्मूला आप सम का पढ़ेंगे, एसएन वाला है ना, तो अभी तो लिख देता हूं मैं केवल, अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है मैंने, तो ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ठीक है। तो ये सम वाला फॉर्मूला है, जैसे एपी में सम करते थे वैसे ही जीपी में भी सम करेंगे। तो ज्यादातर आपको यही दो फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, यहां याद रखिएगा ये माइनस वन बगल में लिखा है, पावर माइनस वन नहीं करना है यहां पे, ठीक है। आर रेस टू द पावर एन माइनस वन ऐसे है ये, ठीक है।
तो ये सारे फॉर्मूले देखकर अब हम लोग सारे टर्म्स या सिंबल्स रिलेटेड टू जीपी लिस्ट डाउन कर सकते हैं. एन जनरल टर्म, टी एन एनथ टर्म, एल लास्ट टर्म, ये तो अभी पढ़ा. ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, आर हो गया कॉमन रेशियो, एस एन हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी. इस फॉर्मूला को और ज्यादा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे. एस एन काफी इंपॉर्टेंट है एपी जीपी दोनों जगह. इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी तो एक कंडीशन निकल के आ जाती है क्या कि बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी. ठीक है, तो इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी. कुछ लोग जीएम ना लिख के केवल जी भी लिख देते हैं. तो जीएम क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन. चाहे जीएम बोलो चाहे जी बोलो, ये हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, याद रखिएगा कि एपी में क्या होता है कि बी एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है ए और सी का, लेकिन जीपी में बी ए और सी का मिड पॉइंट नहीं होता है, एवरेज वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन. बाकी जब हम लोग जब भी जीपी बोल रहे हैं तो जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो कोई नई बात नहीं है. तो अब जब तक हम लोग जीपी पढ़ेंगे तो यही सारे नाम आते रहेंगे, ये तीन, तीन छह, तीन नौ, सारा काम किसी से हो जाना चाहिए. ये सारे नाम आपको याद हो जाने चाहिए सिंबल के साथ, आगे बार बार जरूरत पड़ेगी. और थोड़ा सा रुक कर सब कुछ नोट कर लीजिए, रट लीजिए, वैसे तो काफी सिंपल है. अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा रुकना होगा, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब कुछ कर लेंगे. टाइप्स ऑफ जीपी में आते हैं और यहां पर मैंने पांच तरह की जीपी अपने आप पहले से ही लिख दी है और आप देखिए इसको आप कंसिडर करिए. ठीक है, पहले मैं बोल रहा हूं कि सब कुछ जीपी है, टेस्ट किया हुआ है, आपस में कोई बहुत रिलेटेड नहीं है, सब डिस्टिंक्ट है. यहां भले वैल्यू सेम थोड़ी दिख रही है, तो यहां पर देखिए टू में आप थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्स आ जाएगा, सिक्स में थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे एटीन आ जाएगा, एटीन में थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिफ्टी फोर आ जाएगा, ऐसे थ्री 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 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो 13,122 भी आ जाएगा. यहां पे टर्म्स खत्म हो रहे हैं, आखिरी टर्म अच्छे से लिखा हुआ है पर यहां पर आखिरी टर्म नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा क्या, फाइनाइट जीपी, और ये वाला हो जाएगा इनफाइनाइट जीपी. ठीक है, इनफाइनाइट जीपी. ठीक है, तो टर्म्स खत्म हो रहे हैं तो फाइनाइट जीपी, नहीं खत्म हो रहे हैं तो इनफाइनाइट जीपी. ये यहाँ पे मैक्सिमम टर्म जो है, जो लास्ट टर्म है या जो हाईएस्ट टर्म है वो इनफिनिटी को टेंड करने लगेगा, है ना. और अब चलो यहां पर आते हैं हम लोग. यहां पर क्या हो रहा है कि हर बार हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. ठीक है, फिर यहां पर भी हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना. तभी तो 5 इंटू टू 10, 10 इंटू टू 20, 20 इंटू टू 40, खूब सारा मल्टीप्लाई किया तो 1280 भी आ गया होगा, है ना. तो 2 यहां पर एक तरीके से हमारा कॉमन रेशियो है जो क्या कर रहा है, हमारे जीपी के हर एक अगले टर्म को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ाते चला जा रहा है. तो ये क्या हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इंक्रीजिंग जीपी का, इंक्रीजिंग जीपी का. और यहां पे आप देख सकते हैं 5 में से हमने 2 डिवाइड कर दिया, 5 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 5/2 आ गया, 5/2 को और 2 से डिवाइड कर दिया तो 5/4 आ गया, 5/4 को और 2 से डिवाइड कर दिया तो 5/8 आ गया. इस तरह से 5/2 56 भी आ गया होगा 2 से डिवाइड करते करते. तो देख लीजिए यहां पर 5/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5,
और 5/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.25। तो हर अगला टर्म जो है वो अपने पीछे वाले टर्म से छोटा होता जा रहा है, यानी टर्म्स यहां पे वैल्यू वाइज डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग जीपी। अच्छा, यहां पे कोई आराम से ये बोल सकता है कि यार 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या मैं इसको इस तरह बोल सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा। हां बिल्कुल सही बात है, कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर और स्पेशल बात हो रही है, नीचे सारे टर्म्स 8 ही हैं। तो इधर हुआ क्या होगा, हम लोग अगर इसे जीपी के हिसाब से समझें तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 1 हुआ होगा दूसरा टर्म प्राप्त करने के लिए, है ना। तो 8 में 1 मल्टीप्लाई किया फिर से 8 आ गया, इस वाले 8 में 1 मल्टीप्लाई किया फिर से 8 आ गया, इस वाले 8 में 1 मल्टीप्लाई किया फिर से 8 आने लगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कांस्टेंट जीपी बना ली। तो जो हम लोग का थर्ड तरीका है वो है कांस्टेंट जीपी। याद रखिएगा बच्चों की कांस्टेंट एपी और कांस्टेंट जीपी सेम हो सकती हैं। प्रोग्रेशन विच इज अ कांस्टेंट एपी इज आल्सो अ कांस्टेंट जीपी। ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है जो शायद किसी बुक में नहीं दिया होगा, तो ये याद रखें। इसीलिए आप अगर पीछे वाले लेक्चर्स एपी वाले खोलकर देखें तो एपी में ही मैंने यही एग्जाम्पल दिया था और जीपी में भी मैंने यही एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो मेथडोलॉजी ऑफ क्लासिफिकेशन देखे। ये जो फाइनाइट इनफाइनाइट है ये केवल देख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम लोग थोड़ा देख लें, और यहां पे n जो है वो फाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, हम लोग काउंट कर सकते हैं उन्हें, और यहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट है। इस वाले क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा कि हमारा कॉमन रेशियो कैसा है, है ना। ये क्लासिफिकेशन है कॉमन रेशियो के हिसाब से। तो अब यहां पे आप देखो, अगर हमारा जीपी हमेशा इंक्रीज कर रहा है आर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। आप आर ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी 0 वाली बात भी मैं समझाऊंगा। अभी आप मान के चलिए कि आप आर ग्रेटर देन 1 जब करेंगे तो आप इंक्रीजिंग जीपी प्राप्त कर लेंगे। यहां पर देखिए, फिर से देखिए, डिवाइड बाय 2 को मैंने 1/1 × 1/2 कर लिया है जानबूझकर, क्योंकि कॉमन रेशियो को हम लोग लिखना चाहते हैं आर लेस देन 1। क्योंकि यार टर्म्स कैसे होते हैं, a r square, तो हर बार कॉमन रेशियो तो मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसीलिए डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया। और यहां पे कांस्टेंट जीपी है तो r इज इक्वल टू 1 के हिसाब से ये चल गया। तो याद रखिए, फाइनाइट जीपी की ये कंडीशन, इनफाइनाइट जीपी की ये कंडीशन, इंक्रीजिंग जीपी आर ग्रेटर देन 1, डिक्रीजिंग जीपी आर लेस देन 1, कॉन्स्टेंट जीपी आर इज इक्वल टू 1। तो ये ज्ञान तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया कि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग जीपी, कॉमन रेशियो लेस देन 1 डिक्रीजिंग जीपी, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट जीपी। लेकिन यार जब हम लोग ने एपी पढ़ा था तब तो हम लोग ने 0 के हिसाब से किया था, यहां पे 1 के हिसाब से कर रहे हैं। तो चलो कॉमन रेशियो को थोड़ा 0 के हिसाब से भी स्टडी कर लें। 0 के इधर उधर कैसे अपना कॉमन रेशियो आर हो सकता है वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो आर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होगा ये तो हमेशा होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो कभी भी 0 नहीं हो सकता। जीपी में हम लोग कॉमन रेशियो को 0 नहीं रख सकते, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारे टर्म्स हैं वो बाद में सारे 0 होने लगेंगे, और कभी कभी डिवाइड करके पिछला टर्म भी निकालते हैं। तो इसलिए r इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो हमें कभी कभी 0 से डिवाइड भी करना पड़ जाएगा, तो वो हम लोग करना नहीं चाहते। इसलिए हमेशा याद रखिए, इन जीपी कॉमन रेशियो कैनॉट बी इक्वल टू 0। और r ग्रेटर देन 0 है, जैसे यहां पर देखिए हमारा जो कॉमन रेशियो कितना है, 2 3 6 6 3 18 18 3 54। तो हम लोग हर बार 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉमन रेशियो हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। तो
तो सारे जो आपके टर्म्स हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहां पे फर्स्ट टर्म माइनस टू होता और r इज इक्वल टू थ्री होता यानी ग्रेटर देन जीरो होता तो सारे टर्म्स नेगेटिव होते। तो अगर r ग्रेटर देन जीरो है तो सारे टर्म्स या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। और वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा? अपने फर्स्ट टर्म से डिसाइड होगा। अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और r पॉजिटिव है तो सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे। अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है और r पॉजिटिव है तो सारे टर्म नेगेटिव आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि यही गवर्न करेगा कि क्या साइन होगा। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे ऑल टर्म्स विल फॉलो द साइन ऑफ फर्स्ट टर्म, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, टर्म्स अल्टरनेटली अपने साइन बदलते रहेंगे। देखो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म पॉजिटिव है, फोर्थ टर्म नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे ऑल ऑड टर्म्स विल फॉलो द साइन ऑफ फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, दूसरा इसी यही पॉइंट को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जीपी विल शो टर्म्स विद अल्टरनेटिंग साइंस। अल्टरनेटिंग साइंस मतलब बदलते हुए साइंस, द टर्म्स अल्टरनेट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज जीपी में ही संभव है कि इवन ऑड टर्म अलग अलग साइन लेके आ रहे हैं। एपी में क्या होता था, एक तरफ नेगेटिव चल रहा है, बीच में कहीं जीरो के आसपास वैल्यू आ गई, फिर एक तरफ पॉजिटिव आ गए, लेकिन जीपी में इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे चलते जाते हैं। तो इसीलिए मान लीजिए इधर हम लोग को इसका जनरल टर्म लिखना हो और आगे nth टर्म लिखना हो, कुछ करना हो, तो यहां पे a हो गया 2 और r हो गया देखो -3, है कि नहीं। यहां पे क्या हो रहा है, 2 में -3 मल्टीप्लाई किया तो हमारा -6 आया, -6 में फिर से -3 मल्टीप्लाई किया तो +18 आया, फिर 18 में फिर से -3 मल्टीप्लाई किया तो -54 आ गया। यानी कि हमारा जो कॉमन रेशियो है वो नेगेटिव है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर जो हमारा जनरल टर्म है या nth टर्म है, tn लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा ar रेस टू द पावर n माइनस 1। तो a क्या हो जाएगा 2, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे -3 रेस टू द पावर n माइनस 1। इसको बड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू 3 रेस टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -1 रेस टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इस माइनस 1 को अलग से यहां पे शो करते हैं। तो जब भी किसी जीपी में ये लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि अल्टरनेटिंग वाली जीपी है, जहां पे कॉमन रेशियो नेगेटिव है <1। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज है और ज्यादा अच्छे से बुक्स में एग्जिबिट नहीं की जा रही है, तो आप लोग इसे समझ लीजिए। ये r लेस देन जीरो का फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये r लेस देन जीरो का सेकंड पॉइंट हो गया। r इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है।